Hello students, I welcome you all for our second lecture on chemical kinetics. मैं आप सबको chemical kinetics का दूसरा lecture में स्वागत करता हूँ. I hope you remember the topics which we have covered in our first lecture. मैं आशा करता हूँ कि आपको जो जो topics हमने first lecture में discuss किया था वो याद है. So what we have discussed, first of all we have seen what does chemical kinetics deal with. हमने पहले देखा था कि केमिकल काइनेटिक्स किस चीज से डीलिंग करता है. सो वी हैव सीन दैट बाय एक्सपेरिमेंटली डिटरमिनिंग द रेट ऑफ रिएक्शन वी कैन एस्टिमेट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. हमने देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली निकाल के उससे मैकेनिज्म के बारे में हम समझा सकता है. इस चीज को हमें केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं. उसके बाद हमने देखा रेट ऑफ रिएक्शन. व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? इट इज द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो पर्पल कलर में हैं, जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कम होते जा रहा है, और जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स बढ़ते जा रहा है. तो इस एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज आपने ऑब्जर्व किए होंगे कि फर्स्ट 10 सेकेंड्स में कितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया. तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 25 टू 26 मॉलिक्यूल्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, लेकिन बाद में लगभग 38 मॉलिक्यूल्स. तो यहाँ पर 26 या 38, इसका मतलब डिफरेंस कितना, 12 मॉलिक्यूल जो है प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया है. इसका मतलब स्टार्टिंग 10 सेकेंड्स में 25 टू 26 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो गया, उसके बाद 10 सेकेंड्स में लगभग 12 मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो गया, इसके बाद 10 सेकेंड्स और कम है, इसके बाद 10 सेकेंड्स और कम. इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी हाई एट स्टार्टिंग. तो शुरू शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है, उसके बाद धीरे धीरे से हमें रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो धीरे धीरे कम हो जा रहे हैं, या पर्पल कलर जो है वो धीरे धीरे कम हो जा रहा है. ये भी एकदम जैसे कोरोना वायरस जैसा ही है, अगर ज्यादा केसेस हैं तो स्प्रेडिंग ज्यादा है, अगर कम केसेस है तो स्प्रेडिंग कम है. जैसे धीरे धीरे केसेस कम हो जा रहे हैं तो स्प्रेडिंग भी कम हो जा रहा है. सेम नेक्स्ट वी हैव सीन डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. सो यहाँ पर आपको शायद ये याद है कि HBr O3 यहाँ 1 मोल है, सिर्फ 1 मोल है, तो यह इसलिए यहाँ पर एक कोई नंबर नहीं लिखा. लेकिन अकॉर्डिंग टू HI वी हैव डिवाइडेड विद 6. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द रीजन व्हाई वी शुड डिवाइड विद 6. सो टू इक्वेट दिस टू वी हैव टू डिवाइड विद 6. सो अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको बताना चाह रहा हूँ. इफ यू कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस. से फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम जानते हैं कि लॉकडाउन हुआ था, शुरू शुरू में लॉकडाउन हुआ, तो यहाँ पर 2 लोग हैं. तो एक अंकुल है जिनका नाम है HBr O3. अंकुल का नाम क्या है, ब्रोमिक एसिड. और एक छोटा बेटा है, उनका नाम है हाइड्रोजन आयोडाइड. ठीक है, तो ये दोनों जैसे लॉकडाउन हुआ तो तुरंत डिसाइड हो गया कि कुछ सब्जियां खरीद के लाए कि इकट्ठा करे ताकि लॉकडाउन में उनको यूज हो जाएगा. सो दे हैव परचेज 5 किलो पोटैटोस, 5 किलो टोमेटोस, 5 किलो ऑनियंस एंड 5 किलो ऑफ ईच व्हिच यू लाइक. सो दैट टोटल weight is 30 kgs. So total how many bags are there? 6 bags. 5 kgs each. 6 bags they have. So now uncle has packed all the vegetables into one bag, one sack. So uncle जो है सारे vegetables को एक bag में बांध दिया है. तो अब उनका घर में जो room है वो दूसरा मंजिल पे है. Now they have to take these vegetables to second floor. Now so uncle can easily carry 30 kgs. So he was taking the sack at once. तो अंकुल तो बड़े हैं तो इसलिए वो 30 किलो का बैग को एक ही बार में धीरे से ऊपर ले जा रहा था. सो लेकिन ये छोटा बेटा जो है 30 किलो तो वो उठा नहीं सकता है, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, 5 किलो करके ऊपर ले जा रहा था.
तो जितना देर में अंकुल ये 30 किलो को ऊपर ले जा रहा था, उतना ही देर में ये लड़का ने 6 बार ऊपर नीचे करके आके ये 6 बैग्स को ऊपर ले गया। इसका मतलब अंकुल को मान के चलिए 10 मिनट लगा है, तो ये लड़का जो है एक एक बैग को 1.5 मिनट्स ऐसे, तो 1.5 मिनट में एक बैग रख दिया, फिर वापस आया, 1.5 मिनट में दूसरा बैग रख दिया, ऐसे मतलब 10 मिनट में इन्होंने 6 बैग्स लेके गया। तो दोनों का समय लगा है 10 मिनट, सो 10 मिनट में दोनों ने 30 किलो ऊपर ले गया। सो कितना रिएक्शन हुआ? इक्वल। कैसे? दोनों ने 30 किलो ऊपर लेके गए। अच्छा, तो कितना रेट है? रेट कैसे? कितना फास्ट लड़का ने फास्ट लेके गया या अंकुल ने फास्ट लेके गया, हम देखेंगे। तो लड़का ने अंकुल से 6 गुना फास्ट उन्होंने चला, है ना। तो अगर इन दोनों का रेट हम कंपेयर करना है तो कैसे, अंकुल का रेट कितना है, ये लड़का का रेट के हिसाब से हमें बताना है, तो कैसे हम बताएंगे? सो अंकुल स्पीड या यहाँ पर HBr3 ब्रोमिक एसिड का रेट जो है HI का रेट में 1/6 पार्ट है। इसका मतलब HI का स्पीड ब्रोमिक एसिड का स्पीड से 6 गुना ज्यादा है। अगर ये आप 6 को आपने इस तरफ ले आएंगे तो क्या होगा, तो ये 6 × HBr3 आ जाएगा। इसका मतलब HI का रेट से HBr3 का रेट कम है। कितना कम है? 6 गुना। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी HI का स्पीड का बराबर है। या इसका अपोजिट क्या है? HBr3 का स्पीड HI का स्पीड में 1/6 है, मतलब HI का स्पीड ज्यादा है, HI का रेट ज्यादा है। तो इन दोनों को इक्वेट करने के लिए हमें HI का रेट को 6 से डिवाइड करना जरूरी है। सो मैं आशा करता हूं कि अभी आपको समझ में आया होगा। तो और आगे हम देखेंगे, वी हैव स्टडीड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन लाइक कॉन्सेंट्रेशन, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, नेचर ऑफ लाइट, दीज आर ऑल द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। सो ये भी हमने देखा है। So afterwards we have seen rate law and rate constant. What is rate law? Rate law is a mathematical relation between rate of reaction and the concentration of reactants. So in दोनों के बीच में जो relation है इसी को कहते हैं rate law. तो यहाँ पर हमने देखा, तो ये x and y क्या है? These are not the stoichiometric coefficients. यहाँ x and y जो है stoichiometric coefficients नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज हैं। तो यहां पर एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई, तो इन दोनों को याद करेंगे तो हमें क्या आएगा, तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो हाउ कैन वी डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स टू विच the concentrations or pressures have been raised in rate law expression. So rate law expression में जो reactants है उसका powers का sum को कहते हैं order. तो ये powers कैसे आया? उतना raise हुआ concentration है उतना powers तक raise हुआ rate law में, तो ये हमने देखा है। So and we can define rate constant. So rate constant is here, it can also be called a specific reaction रेट। नाम तो बहुत भयंकर है लेकिन यहाँ पर कुछ है नहीं है, सिंपली रिएक्टेंट्स का जगह 1 यूनिट रख देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, रेट रेट कांस्टेंट का बराबर हो जाएगा। इसका मतलब रेट कांस्टेंट इज नथिंग बट रेट ऑफ रिएक्शन। बट व्हाट इज द कंडीशन? व्हेन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज यूनिटी देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट। दैट्स ऑल। Afterwards, we have seen complex reactions. Complex reactions are those reactions which happen in 2 or more steps. दो या उससे ज्यादा steps में जो reaction होगा, उस reaction को कहते हैं complex reaction. तो यहाँ पर हम देखेंगे reduction of bromic acid. So reduction of bromic acid एक complex reaction है. ये 3 steps में हमें होगा. जो तीनों intermediate steps को कहते हैं elementary reactions. Now if you see
Here, in the rate determining step, how many molecules are being participated in the reaction? ये rate determining step में कितना molecules reaction में participate हो रहा है? One and two, दो molecules यहाँ पर reaction में participate हो रहा है. तो इस molecules का number one plus one, that is equal to two. So इस elementary reaction का मॉलिक्युलरिटी दो का बराबर है. सो नाउ कम टू सेकंड रिएक्शन. व्हाट इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ दिस सेकंड रिएक्शन? वन प्लस फोर, सो टोटल फाइव. सो मॉलिक्युलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज फाइव. सो नाउ व्हाट इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ दिस एलिमेंट रिएक्शन? वन प्लस वन, सो टू. विच मीन्स ईच एलिमेंट्री रिएक्शन हैज डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्युलरिटी वैल्यूज, बट the overall reaction has only one molecularity. So that will be decided by the rate determining step. So here the for whole reaction molecularity is equal to 2, and experimentally it is determined that order of reaction is also equal to 2. So thus molecularity is equal to 2 and order is equal to 2. Abhi aapko ek idea aaya hoga ki ऑर्डर क्या होता है और मॉलिक्युलरिटी क्या होता है. ऑर्डर जो है हमें रेट ला एक्सप्रेशन से पता चलता है, मॉलिक्युलरिटी जो है रेट डिटरमिनिंग स्टेप से ही देख के हमें पता चलेगा. ऑर्डर को हमें सिंपली देख के नहीं बता सकता है. बाय मियरली सीइंग वी कैनॉट टेल व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, बट रेट डिटरमिनिंग स्टेप को देख के हम मॉलिक्युलरिटी को बता सकता है, लेकिन ऑर्डर को हम ऐसे नहीं बता सकता है. ऑर्डर के लिए हमें एक्सपेरिमेंटल ही चेक करना जरूरी है. और यहाँ पर हम देखेंगे तो मॉलिक्युलरिटी होल नंबर है, तो ये वाला डिफरेंसेस जो है कंपैरिजन हम अभी देखेंगे. सो ऑर्डर वर्सेस मॉलिक्युलरिटी. So what is order of reaction? We have already seen it is the sum of the powers to which the concentration or pressure of the reactants are raised in what? In rate law expression. So rate law expression mein jo reactants hai uska concentration term jo hai uska powers hai, to is powers ka sum ko kehte hain order of a reaction. What is molecularity? Rate determining step में जितना molecules या ions या atoms जो भी participate कर रहा है उसका number को कहते हैं molecularity. So the number of ions, molecules or atoms that take part in the rate determining step, or you can say the step in which the activated complex is being formed. So then order, it can be a whole number or it can be a fraction, but molecularity is always a whole number. So order can be whole number or a fraction, but molecularity is always whole number. Next, order is an experimental quantity. Simply by merely seeing we cannot tell what is the order, whereas molecularity, it can be theoretically calculated. If we have the rate determining step or balanced equation, from that we can tell the molecularity. Yeah, see, order is an experimental quantity, nothing to do with stoichiometry. Stoichiometry se koi relation isko nahi hai, but molecularity is a theoretical concept, and by seeing the mechanism we can tell what is the molecularity of a reaction. Next, order is assigned for overall reaction. Overall reaction के लिए order होता है. Molecularity हर एक elementary reaction के लिए एक एक molecularity value है, जैसे already हमने देखा था. So order is assigned for overall reaction, whereas molecularity is assigned for each elementary step in the mechanism. Now order can be negative also. Order can sometimes be negative, but molecularity can never be negative. So order negative होने के लिए इसके examples क्या है, हम एक example आपको देते हैं. See, say for example, ozone.
डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, ये वाला एग्जाम्पल हम लेंगे, तो जिसमें ओजोन डिकम्पोज होके हमें ऑक्सीजन दे रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका रेट का एक्सप्रेशन हम देखेंगे, तो रेट आर इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ टू। इसका मतलब क्या है, यहां पर ऑर्डर हम देखेंगे तो ओजोन का रेस्पेक्ट में ऑर्डर टू, विथ रेस्पेक्ट टू ओजोन ऑर्डर इज इक्वल टू टू, बट विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन व्हाट इज द ऑर्डर, इट इज पावर माइनस वन, बिकॉज इट इज इन डिनोमिनेटर, व्हेन वी राइट इन न्यूमरेटर व्हाट विल बी द वैल्यू, पावर माइनस वन, विच मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन ऑर्डर इज नेगेटिव। ऑर्डर कैन डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन pressure and temperature, but molecularity does not depend on temperature, pressure and concentration. Next point we can see, by using order of reaction we can explain mechanism of the reaction, but from molecularity we cannot explain mechanism of the reaction. Why? Because order gives the information about the slowest step. So order it gives the information about the slowest step and hence it explains the mechanism of reaction, whereas molecularity doesn't give any detail about mechanism of a reaction. So these are the comparisons between order of a reaction and molecularity. Now we will see that higher order reactions are very rare. So order of reactions will be usually zero order, first order and up to second order. But if you see third order reactions and higher orders, these are very difficult. So that thing we'll see. So reactions of higher order are very rare. Why? What will be the reason? See, here we'll see the example. So here if you see the example, 2A plus 3B, it is forming product. If you merely see the reaction, what will be the molecularity? Molecularity is equal to 2 plus 3, so 2 plus 3 is equal to 5. So what do we expect? Molecularity equal to 5, and order also if we merely see it should be 5, but it can never be 5. So order cannot be equal to 5 and molecularity cannot be equal to 5. Okay, so now what is the reason? Say for example, if molecularity should be equal to 3, 3 molecules should collide with each other, no? So collision of 3 molecules with each other is very difficult. When molecularity of 3 is difficult, order is even more difficult. So thus, since 3 molecules cannot collide with each other easily, so order 3 se kam hota hai. So now we will see about pseudo-molecular reactions. Pseudo-molecular reactions. Pseudo means false. Pseudo का मतलब है झूठा. Pseudo means false. So now here we will see an example of hydrolysis of methyl acetate. Methyl acetate का hydrolysis example हम ले रहा. So in presence of acid, methyl acetate is hydrolyzed to form acetic acid and मेथनॉल, एसिटिक एसिड और मेथनॉल हमें फॉर्म कर रहा है. तो यहाँ पर एक स्टेप है, तो इस स्टेप में हम देखेंगे तो यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ऑर्डर शुड बी इक्वल टू टू एंड मॉलिक्युलरिटी शुड बी इक्वल टू टू. सो दिस इज द एक्सपेक्टेड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन. बट व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड ऑर्डर? वन. सो ऑब्जर्व्ड ऑर्डर इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. So now, how, which means order is decided by only methyl acetate and not of H2O. Order जो है सिर्फ methyl acetate से decide हुआ है, H2O से decide नहीं हुआ है. So here order is independent of H2O and order is decided by only methyl acetate. So now what is the reason? The reason is the concentration of water is very high
and it seems that there is no change in concentration of water. तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और हमें लगेगा कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया, तो इसीलिए वाटर के ऊपर रेट डिपेंड नहीं होगा. सो इफ यू सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेंस प्रैक्टिकली कॉन्स्टेंट, दैट इज वाई ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, वेयर एज इट इज डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल एसिटेट. सो यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, यह 0.1 मोलर मिथाइल एसिटेट ले लिया और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 55.5555 मोलर. कैसे आता है, मोलारिटी इज इक्वल टू, मोलारिटी इज इक्वल टू से फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन 1 लीटर वाटर. सो 1 लीटर वाटर मीन्स व्हाट इज द वेट, 1000 grams. सो 1 लीटर वाटर, वाटर का डेंसिटी 1 है तो 1 लीटर मतलब 1000 grams है. सो 1000 डिवाइडेड बाय वाटर का मोल का वेट कितना है 18 ग्राम पर मोल इनटू 1000 बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना, 1 लीटर, 1 लीटर मतलब 1000 ml. सो यहां पर हमने ग्राम्स और मिलीलीटर में एक्सप्रेस कर रहा है, तो 1000 कैंसिल, सो 1000 बाय 18 दिस विल बी इक्वल टू 55.55. तो इसीलिए वाटर का मोलारिटी हमेशा 55.55 होता है. तो इस इन दोनों का कंपैरिजन हम देखेंगे तो 0.1 इज वेरी लेस, एंड इफ यू से ये वाटर में भी 0.1 कम हुआ फिर भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया, तो इसीलिए हमें सूडो मॉलिक्यूलर ऑर्डर रिएक्शन निकला है ये. आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. Next we will see half lifetime of the reaction. So half life period. So इसके लिए हम आपको एक example दे देंगे. See here. यहाँ पर हम देखेंगे तो cobalt हमने ले लिया, cobalt 60. So cobalt 60 हमने लगभग 100 curies हमने ले लिया. कितना ले लिया, 100 curies, which means nearly equal to 100 grams. So starting ये 100% है. तो 5.3 years के बाद हम देखेंगे तो ये 50% जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब 50% ये कम हो जाएगा, तो बचा कितना 50%. तो यहाँ पर जो पिंक कलर जो है वो पेरेंटल मटेरियल है, ब्लू कलर जो है डॉटर मटेरियल है. तो पेरेंटल मटेरियल स्टार्टिंग में 100% है लेकिन 5.3 years के बाद 50% बचा है. So now after next half life, which means next 5.3 years, which means after 10.6 years, how much is left? 25%. And again 5.3, 12.5. Again 5.3, 6.25. Again 5.3, even less. तो ऐसे बहुत सारे half lives के बाद ये पूरा का पूरा हमें disintegrate हो जाएगा. इसका मतलब जो कंपाउंड हमने ले लिया उसका कॉन्सेंट्रेशन हाफ खत्म होने तक जितना टाइम लगा है इस टाइम को कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड. सो नाउ व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड इज द टाइम व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टू रीच टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. इट इज डिनोटेड बाय टी हाफ and is usually expressed in terms of seconds. So here यहाँ पर कोबाल्ट का तो years लगता है, तो इसलिए इसके यूनिट समय years में एक्सप्रेस किया गया. तो ऐसे हम हाफ लाइफ भी देखा है. Now we will see zero order reactions. So what are zero order reactions? Zero order reactions are those in which the rate of reaction does not change with any of the changes in concentration of reactants. Reactants का concentration में कोई भी हम change लाया या बढ़ाया या घटाया फिर भी हमें rate जो है कोई change नहीं होगा, तो उस reactions को कहते हैं zero order reactions. So reactions in which reaction rate is not affected, is not affected by the changes in concentration of one or more reactants. तो इसको समझने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं. से फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कार है,
मान के चलिए इसमें जो पेट्रोल है वो खत्म होने वाला है, तो अब इसका मैक्सिमम स्पीड क्या होगा? तो इसका स्पीड जो है 100, मैक्सिमम स्पीड मान के चलिए 100। तो अगर हमने इसमें पेट्रोल पूरा भर दिया है, अब टैंक फुल है, तो अब इसका स्पीड क्या होगा? 140 हो जाएगा? नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? स्पीड और यहाँ पर पेट्रोल का क्वांटिटी में कोई रिलेशन नहीं है। आप पेट्रोल का क्वांटिटी बढ़ाइए या घटाइए, उसका स्पीड, मैक्सिमम स्पीड जो लिमिट है वो उतना ही है। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शंस को कहते हैं हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। इसका मतलब जिसमें आप कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाइए या घटाइए, फिर भी उसमें रेट जो है उतना ही होता है। तो इस रिएक्शंस को कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। नाउ लेट अस डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा वो हम डिराइव करेंगे। तो यहां पर मान के चलिए हमने एक रिएक्शन ले लिया, ये टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, ये रिएक्टेंट है तो वो प्रोडक्ट पे फॉर्म कर रहा है, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है ये स्मॉल, ये इनिशियली, इसका मतलब जीरो टाइम है तो उसमें कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है, तो इसीलिए इनिशियली प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? जीरो है। सो नाउ रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर जीरो। इसका मतलब क्या है? रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। सो इसका प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हम के लेंगे तो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए पावर जीरो। तो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए पावर जीरो। सो नाउ वी विल इक्वेट रेट ऑफ रिएक्शन विथ डी एक्स बाय dt. So now what is x here? तो यहाँ पर x क्या है? So r is equal to dx by dt. तो x क्या है? x is the change in concentration of A in time t. t reaction time में A का concentration में जो change आया है उसको कहते हैं x. Which means you can say initial concentration of A minus concentration of A at time t. Initial concentration of A minus concentration of A at time t. Initially कितना आपने लिया? T time के बाद कितना है? कितना बच गया है? तो इन दोनों का difference लेंगे तो क्या आएगा? जितना react हुआ तो वो x है। तो इसलिए x को हम ऐसे लिख सकते हैं, initial concentration of A which is represented by A naught or small a. So that initial concentration of A minus concentration of A at time t. So A naught minus AT. Or you can say it is the change in concentration of A. Or you can say it is the concentration of A which is decomposed in reaction time t. Reaction time t mein kitna amount A ka concentration decomposed hua, usko kehte hai x. तो यहाँ पर हम dx by dt is equal to k into a power 0. तो a का पावर 0 माने इसका वैल्यू क्या होगा? 1 है. सो dx by dt is equal to 1 हो जाएगा. तो इसका मतलब dx is equal to k dt. Now integrate on both sides. तो हम जो बायो का स्टूडेंट्स है उनको भी ध्यान में रखते हुए हमने हर एक स्टेप को हमने लिखा. हो सकता है कि मैथ का स्टूडेंट्स को ये लगे कि अरे बहुत ज्यादा लंबा कर रहा है, लेकिन बायो स्टूडेंट के लिए यूज होगा. तो उनको ध्यान में रखते हुए मैंने एक एक स्टेप लिखा. सो नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स. सो दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करेंगे. तो यहाँ पर ध्यान दे देंगे तो यहाँ लिमिट्स हमने नहीं डाला. सो जब हमने लिमिट्स नहीं डाला तो क्या आएगा इसका एक्सप्रेशन? x is equal to kt plus i. So what is i? I क्या है? I is the integration constant. I जो है integration constant. अब i का वैल्यू हमें चाहिए तो i का वैल्यू के लिए क्या करेंगे? इनिशियल कंडीशंस लेंगे. What are the initial conditions? Initially, concentration of A is equal to small a. Initially, concentration of A is equal to small a. इसका मतलब initially कोई reaction नहीं हुआ. इसका मतलब x का value कितना होगा? Zero. कोई reaction नहीं हुआ मतलब कितना decompose हुआ? Zero decompose हुआ. तो इसलिए x का value zero. और इनिशियल टाइम क्या है? इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में रिएक्शन नहीं हुआ, कोई टाइम नहीं है, तो इसका मतलब टाइम का वैल्यू
जीरो, तो इसका मतलब x का वैल्यू जीरो है और t का वैल्यू जीरो, तब क्या होगा एट प्रेजेंट, जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू के या के इंटू जीरो प्लस आई, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा हमें, जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस आई, तो आई इक्वल टू जीरो, इसीलिए हमें आई का वैल्यू जीरो आया। सो अब आई का वैल्यू जीरो है, तो आई का वैल्यू जीरो रख देंगे तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो ए आई का वैल्यू जीरो इसमें एक्सप्रेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू के टी। सो एक्स क्या है, ऑलरेडी हमने देखा ए नॉट माइनस ए टी, देयरफॉर ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू kt, that implies k is equal to ये t को इस तरफ ले आइए तो हमें k का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, k is equal to 1 by t into a naught minus a t, तो ऐसे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन हम डिराइव कर सकता है। तो इसी को कुछ बुक्स में डिफरेंट वे में डिराइव किया गया है, तो आप कंफ्यूज ना होने के लिए वो भी मैंने एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, देखते हैं। So now we have got starting same. So rate is equal to k into a power 0. So rate is equal to k into a power 0. But come to the differential rate equation. According to differential rate equation, what is the definition of rate? It is the decrease in concentration of reactants per unit time. तो उससे हमने इसका एक्सप्रेशन लिखा माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी विच इज इक्वल टू के इंटू ए पावर जीरो। सो अब ए डी टी को इस तरफ लेके गया तो क्या होगा, माइनस डी इज इक्वल टू के डी टी, सो नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। अब हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम तक है, तो टी टाइम में कितना बचेगा, ए टी कॉन्सेंट्रेशन ए टी, और टाइम कहां से कहां तक, जीरो टाइम से टी टाइम तक। तो यहां पर हमने लिमिट सप्लाई किया, जब हमने लिमिट सप्लाई करेंगे तो जैसे यहां पर इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट लिखा तो ऐसे इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट यहां पर लिखने का जरूरत नहीं है, तो डीए का इंटीग्रेट करेंगे तो उसका वैल्यू है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और लिमिट अप्लाई करेंगे तो ए नॉट टू ए डी, तो माइनस सिंबल बाहर है, ये वाला माइनस सिंबल ए ही पे हमने लिखा, और इनिशियल ए नॉट है, फाइनल ए टी है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू अपर लिमिट टी है, लोअर लिमिट जीरो है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टी माइनस जीरो, तो ये माइनस इसका अंदर ले जाएंगे तो हमें क्या आएगा, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, देयरफॉर के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी, तो इससे हम के का एक्सप्रेशन क्या आएगा, वन बाई टी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। तो ऐसे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन हम डिराइव कर सकता है। तो ऐसे हमने दोनों मेथड से रेट कॉन्स्टेंट का वैल्यू डिराइव किया है, तो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। नाउ वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो नाउ यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट। सो रेट कॉन्स्टेंट के यूनिट्स क्या है, हमें क्या आया था, एक्स इज इक्वल टू के टी, एक्स इज इक्वल टू के टी, तो इसका मतलब k इज इक्वल टू एक्स बाय टी, k इज इक्वल टू एक्स बाय टी, तो x क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, t क्या है, टाइम है, तो कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम, कॉन्सेंट्रेशन का मोलारिटी में हम लेते हैं तो ये मोल लेटर इनवर्स टाइम इनवर्स, देयरफॉर यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट इज मोल लेटर इनवर्स टाइम इनवर्स। नाउ वी विल सी हाफ लाइफ। तो हमें ये के टी का एक्सप्रेशन क्या है, ए नॉट माइनस ए टी, सो हाफ लाइफ क्या है, व्हाट इज हाफ लाइफ, हाफ लाइफ में क्या होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है हाफ हो जाएगा, कितना, टी हाफ टाइम में, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ये तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है, ये टी टाइम पे है, तो अब टाइम कितना है, टी हाफ है, तो टी का जगह टी हाफ हो जाना चाहिए, तो ये टी हाफ होने के समय इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ए टी का वैल्यू ए नॉट बाय हो जाएगा, और टी का जगह टी हाफ हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो देखते हैं।
So at time t is equal to t half, a is equal to a naught by 2. So iska hum substitute karenge. So a naught minus a naught by 2 is equal to k into t half. Therefore, ये subtract करेंगे तो कितना आ जाएगा? A naught by 2 और k को इस तरफ ले आएंगे तो क्या आ जाएगा हमें? T half is equal to A naught by 2k. या A naught का value ये है, initial concentration हमने small a ले लिया था, तो इसीलिए T half is equal to A by 2k. इसका मतलब क्या है? T half is directly proportional to A initial concentration. Zero order reaction का half life time जो है initial concentration का directly proportional है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं. So now we'll see graphs. कैसे graphs plot कर सकते हैं? बहुत सारे बच्चे graphs के लिए बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन graphs में बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है. Usually graph जो है y is equal to mx graph. Y is equal to mx graph कैसे आता है आपको याद है? ऐसे y ये x, तो हम लेंगे तो y is equal to, यह m माने slope हो जाएगा, तो y is equal to graph, y is equal to mx graph ऐसे आता है. अगर y is equal to mx plus c है तो c क्या है? इंटरसेप्ट है. तो y is equal to mx plus c form y is equal to mx plus c, m ये m है, x है plus c, तो mx plus c form ऐसा आता है. अगर y is equal to minus mx plus c है, minus माने क्या है? Negative slope होना है, तो ऐसे graph आ जाता है. तो इतना कम से कम ये तीनों आप याद रखेंगे तो आप कोई भी कर सकता है. Now graphs. So say for example we are plotting a graph between rate and reaction time. Rate और time के बीच में हमें graph plot करना है. हमें रेट के एक्सप्रेशन यहाँ क्या आ रहा है? R is equal to k. कहाँ से आ रहा है? हम ऑलरेडी देखा था दैट रेट R is equal to k, रेट कांस्टेंट k into concentration of a power zero, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसीलिए पावर जीरो. a पावर जीरो माने इसका वैल्यू वन है, तो R is equal to k हो जाएगा. तो R is equal to k, तो यहाँ पर कोई टाइम का टर्म नहीं है, टाइम कहीं नहीं है, सिंपली हमें R is equal to k है. इसका मतलब k क्या है? रेट कांस्टेंट. इसका मतलब ये तो कांस्टेंट है, वैरी नहीं होने वाला चीज है, ये चेंज नहीं होने वाला चीज है, तो इसका मतलब रेट हमेशा कांस्टेंट है. रेट जो है रेट कांस्टेंट के बराबर है, इसीलिए रेट कांस्टेंट है. कांस्टेंट माने स्लोप जीरो, तो इसीलिए हमें ग्राफ ऐसे आया. Now, if we plot a graph between concentration of A and time t, concentration of A और time t दोनों के बीच में graph है. So for this, we will use the expression which we have derived for rate constant. So kt is equal to concentration of A initially, which means A naught minus at, at or A. So kt is equal to A naught minus A. So यहाँ पर kt को हम left hand side ले जाएंगे और ये concentration of A को right hand side ले आएंगे. तो हमें क्या आएगा? A naught minus kt is equal to concentration of A, या concentration of A at the time t, जो भी है. तो इसका मतलब क्या आएगा हमें? तो इस expression से तो हमें क्या आएगा? Concentration of A is equal to minus kt plus A naught, which means एक इस form में है, y is equal to minus mx plus c form में है, तो इसीलिए हमें graph negative slope से आएगा. तो m का जगह क्या है? K है. तो इसका मतलब यहाँ slope क्या है? Minus k. नेगेटिव स्लोप है. और इंटरसेप्ट वैल्यू क्या है? सी का जगह ए नॉट, तो इसीलिए इंटरसेप्ट वैल्यू ए नॉट है. अब एक और ग्राफ हम देखेंगे एक्स और टी के बीच में. एक्स क्या है? व्हाट इज एक्स? एक्स इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज्ड इन टाइम टी. तो टी टाइम में कितना रिएक्ट हो गया है ये, तो उसको कहते हैं एक्स. सो हमें एक्सप्रेशन क्या है? x is equal to kt. तो यहाँ पर ग्राफ किस किस के बीच में है? x और टाइम के बीच में है. तो किस फॉर्म में है? y is equal to mx फॉर्म में है. y का जगह x है और m y is equal to mx फॉर्म में है. तो इसका मतलब
वाई का जगह एक्स है तो वाई एक्सिस में हमने एक्स डाल दिया और एम का जगह के है और एक्स का जगह टी, तो वाई इज इक्वल एमएक्स ग्राफ हमें ऑरिजिन से ऐसे आता है, तो यहाँ पर स्लोप वैल्यू स्मॉल के, यहाँ पर कैपिटल के प्रिंटेड है लेकिन ये स्मॉल के, इट इज स्मॉल के। तो ऐसे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख सकते हैं। लास्टली वी विल सी द एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अ फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन H2 एंड Cl2 ओवर वाटर, वाटर सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो रिएक्शन है फोटोकेमिकल रिएक्शन वो जीरो ऑर्डर, एंड हियर द वाटर इज सैचुरेटेड विद HCl। सो नाउ अनदर एग्जांपल इज हेटरोजीनियस रिएक्शन, हेटरोजीनियस रिएक्शन लाइक थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI, हाइड्रोजन आयोडाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन किस सरफेस के ऊपर, गोल्ड सरफेस, मतलब गोल्ड सरफेस एक कैटलिस्ट जैसा हमें काम कर रहा है, तो गोल्ड सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन आयोडाइड का जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो भी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और भी एग्जाम्पल्स हम देखना चाहते हैं तो एंजाइम रिएक्शन, एंजाइम कैटालिसिस जो रिएक्शन है वो भी हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन। So till now in this class we have discussed the comparison between order and molecularity. अभी तक हमने order और molecularity के बीच में comparison हमने देखा, and we have seen how to calculate molecularity, molecularity को कैसे निकाल सकता है वो भी हमने देखा है। We cannot estimate order of a reaction by merely seeing the reaction. रिएक्शन को सिंपली देख के ऑर्डर को हम नहीं बता सकते हैं, तो ये सारे चीज हमने देखा। और And we have seen that the reactions of higher order are very rare. अगर order 3 या उससे ज्यादा है तो reactions नहीं होते हैं। Why? Because collisions are difficult. Collisions होने के लिए मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए higher order reactions हमें नहीं होगा। उसके बाद हमने क्या देखा, pseudo molecular reactions, pseudo मतलब false, so in pseudo molecular reactions by rate determination step we expect the order 2, but the observed order is 1, which means we expect more order, but the order observed is less. Why? Because order with respect to one of the reactants is independent of its concentration, because that reactant is present in higher concentration. Uska concentration bahut zyada hai aur isiliye usme zyada farak nahi dikhega, isiliye us reactant ka concentration ke upar ये ऑर्डर डिपेंड नहीं होगा। सो एंड देन वी हैव सीन हाफ लाइफ पीरियड, व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड, इट इज द टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू रीच टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज नोन एज हाफ लाइफ पीरियड। एंड देन वी हैव सीन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactants, or it is independent of change in concentration of the reactants. So and then we have seen how to derive rate constant for zero order reaction, and we have seen the characteristics of zero order reaction, and now we have seen the examples of zero order reaction. So with this we conclude this class. In next class we will see about first order and second order reactions. Their derivations will be little long, but no need to worry, we will explain step by step everything. Thank you.